हेलो गाइस, माय नेम इज मोहिदुल। एसएम कंप्यूटर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज का टॉपिक है, जो हम लोग क्रोम यूज़ कर रहे हैं, यानी क्रोम इंस्टॉल कर रहे हैं विंडोज 7 में। आप देख सकते हैं मैं अभी विंडोज 7 यूज़ कर रहा हूँ, है ना। ये विंडोज 7 है, इसमें जब भी हम क्रोम इंस्टॉलेशन करने जाते हैं जो मैसेज हमको आता है, ठीक है, मैं वो आपको अभी आपको जिस स्क्रीन में दिखा होगा, ठीक है, जो आपको हेडलाइन में दिखा गया होगा, तो वो प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ एक करके कि कैसे हम डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है, और क्या प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि क्रोम गूगल ही ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे हम गूगल ओपन करेंगे, यहाँ पर आप क्रोम सर्च कीजिएगा, तो क्रोम सर्च करने पे आपको यहाँ पे क्रोम डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाता है, जिससे आपको भी आया होगा और आपको भी इशूज फेस हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने गूगल ऑफिशियल ब्राउज़र इसको आप यहाँ से अगर डाउनलोड आप करते हैं, ठीक है, तो ये डाउनलोड यहाँ से होगा, डाउनलोड क्रोम। अब इसको सेव भी कर सकते हैं और डायरेक्ट रन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम रन करते हैं, अब देखिए क्या मैसेज आता है, यही मैसेज आपको आता होगा अगर आप डायरेक्ट रन करते हैं तो। और आप अगर सेव करके भी रन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सेव होगी, जैसे मैं पहले भी सेव करके रखा था, ये वाला सेव हो गया, अब इसको रन करना है, ठीक है। तो ओपन फोन में चलते हैं, इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि क्रोम सेटअप इज नॉट वैलिड विन 32 एप्लीकेशंस, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हो क्या रहा है यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम, कि आपका सिस्टम, जैसे मेरा आपको सिस्टम दिखा देते हैं, मेरा सिस्टम है 64 बिट का, मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें डाला हुआ है 64 बिट है। अगर आप प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे, यहाँ पर देखिए 64 है, लेकिन जब बाय डिफॉल्ट हम यहाँ से जब हम डाउनलोड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट 32 बिट डाउनलोड हो जाता है, क्योंकि आपके जो लैपटॉप में विंडोज 7 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक जो है कॉमन एरर, आप ये सबको बोल सकते हैं, ऐसा होते रहता है, ठीक है। या अभी आप गूगल से ही मिस्टेक से या जो भी है, तो गूगल से जब भी आप डाउनलोड करने जाते हैं बाय डिफॉल्ट 32 बिट डाउनलोड होता है, जबकि आपका सिस्टम है 64 बिट। तो अब यहाँ पर 64 बिट का exe फाइल चाहिए, तभी आपका ये यहाँ पर आप क्रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका यही होता है कि आपका अगर किसी के अगल बगल में किसी के पास भी अगर विंडोज़ 10 लैपटॉप है या 11 लैपटॉप है या विंडोज़ 8 का लैपटॉप है, तो एक काम कीजिए, उसी में जो है विंडोज़ 10 वाला लैपटॉप में आप क्रोम डाउनलोड कीजिए exe फाइल, जैसे आप यहाँ पर डाउनलोड किए। अब उसके बाद जो है उसको पेन ड्राइव में, जैसे मैंने अभी पेन ड्राइव में ले लिया है, ये मेरा पेन ड्राइव है, ये वाला सेटअप जो है मैंने विंडोज़ 10 में डाउनलोड किया है, अब इसको इसमें रन कीजिए, ठीक है। तो विंडोज़ 10 में बाय डिफॉल्ट 64 बिट में ही डाउनलोड होता है, ठीक है। तो 64 में डाउनलोड होगा, आप पेन ड्राइव में उसको ले लीजिए, आप उसको यहाँ पर ला करके आप रन कीजिए, ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, क्योंकि इनको 64 बिट चाहिए। और बाय डिफॉल्ट जब हम लोग यहाँ डाउनलोड करते हैं तो ये 32 बिट डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। 64 बिट डाउनलोड होता ही नहीं है, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 7 है, ठीक है। तो ये कंपनी का मिस्टेक्स है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का मिस्टेक है, जो भी है। तो आपको करना क्या है, आप दूसरे विंडोज़ 10 का डाउनलोड लैपटॉप में जा करके क्रोम डाउनलोड कर लीजिए, और वो डाउनलोड पॉइंट को पेन ड्राइव में ले लीजिए। अब यहाँ पर आप रन कर दीजिए, अब देखिएगा ये वाला हो जाएगा, यस करिए, देखिए डायरेक्ट रन होगी, ठीक है। आपको इंस्टॉलेशन भी आपको कंप्लीट करके दिखा देता हूँ, वीडियो पे बने रहिए, थोड़ा सा समय लेता है, 10 से 20 सेकंड आपको नेट से कनेक्टिविटी के लिए। हाँ, आप वहाँ से डाउनलोड करके ले आइएगा, ठीक है। भाई आपका आपका लैपटॉप में नेट कनेक्टिविटी होना चाहिए, बिना कनेक्टिविटी का इंस्टॉल नहीं होता। अब देखिए उसका फुल सेटअप डाउनलोड होगा, ठीक है। तो ऐसे करके अभी जो है आप क्रोम डाउनलोड कर सकते हैं और इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि आपको क्रोम का सेटअप विंडोज़ 10 वाला किसी के पास है, जो फ्रेंड सर्कल में किसी के पास है, उनके यहाँ पे क्रोम डाउनलोड करना है और उस डाउनलोड फाइल को आपके इस 7 वाला लैपटॉप में रन करना है, तो फिर आप आसानी से इंस्टॉल कर पाइएगा। देखिए मेरा इंस्टॉल हो गया, आपको मैं यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। तो आजकल विंडोज 7 का जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, विंडोज 7 जो भी यूज़ कर रहा है, तो क्रोम इंस्टॉलेशन मैंने डाउनलोड को लेकर के इस टाइप का इशू बीच बीच में आते रहता है, ठीक है। वीडियो पे बने रहिए, बस मैं आपको 2-4 सेकंड में रेडी हो जाएगा, मैं आपको यूज़ करके भी दिखा देता हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस टाइप का टेक्निकल वीडियोस जो डेली लाइफ में आप फेस कर रहे हैं, वो सोल्यूशन मैं आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहूँगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वीडियो पर बने रहने के धन्यवाद, थैंक यू।